नमस्कार नमस्कार मंडली। सो हेलो गाइस, कैसे हो? व्हाट्सअप नमस्ते, केम छो और जे एस के। नाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये मेरा चौथा व्लॉग है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा तीन नहीं चार ऐसे पापा जिनकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी इंटरनेट पे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार नमस्कार मंडली। अरे अरे उधर 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 अपनी जगह पे। हाँ बस आ गए हो। ये बाबा तू मेरे बिना व्लॉग कैसे चालू करता रे? नहीं मैं कर लेता, वैसे तो मैं कर लेता तो करना। तो शुरुआत करते हैं भागल के राजा से। भागल के राजा हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है। बिल्कुल मेरी तरह। इग्नोर मारो बाबू भैया को। ये बाबा कुछ मारने का नहीं रे मेरे को, नहीं तो मैं भी खोपड़ी तोड़ने में उस्ताद है। तो ये बापा को भी देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं सूरत में, जिसका डेकोरेशन बहुत मस्त होता है। हम भी 10-15 मिनट लाइन में लगे, उसके बाद हमें बापा के दर्शन करने का चांस मिला। ये डेकोरेशन बहुत बढ़िया था, देखो आप भी और इन्जॉय करो। अब सेकंड नंबर पे है चौटा के राजा। क्या बोला तूने? काय 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 चौटा बाजार के राजा, ये भी हमारे यहाँ पे फेमस है, जिसके लिए लाइन लगती है बापा को देखने के लिए। ये बाबा तू देख, एक दिन मेरे लिए भी ऐसी लाइन लगेगी, देखना तू। हाँ हाँ देखते हैं कब आएगा वो दिन। बाद हम लोग चले गए थे इलेवेंडी और केदारनाथ की थीम वाले बापा के दर्शन करने के लिए। बहुत मजा आया मुझे, बहुत भीड़ थी और भीड़ में मैंने कुछ रिकॉर्ड कर लिया वहाँ पे। क्या रिकॉर्ड किया रे तूने? मैं नहीं दिखाऊंगा। बता ये शैम्पू, वो देख क्या गणपति है रे। क्या बोले बोले गणपति अरे भाई, वो देख कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। हाँ रे बहुत भीड़ है रे यहाँ पे। वो देख पुट्टी के बाल, इतना छोटा हो के तू ऐसी बात करता है। वो खाने वाले रे। अच्छा खाने वाले? हाँ तू क्या समझ रहा था? मैं भी वही खाने वाले की बात कर रहा था। वो चल ना खाते, चल 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 चल। धूम मचाले धूम। ओ ये गाड़ी में तो ब्रेक ही नहीं है। ए भाई रोक भाई। ओ ओ ओ बाय टाटा गुड बाय गया। उसके बाद रात के 12 बज गए थे और हम लोग यहाँ पे आए 11D बापा के दर्शन करने के लिए। ये बाबा क्या होता है रे वो 11D? मतलब चारों तरफ बापा के LED लगी हुई थी, जहाँ पे मस्त ग्राफिक्स वाफिक्स से बापा के दर्शन हो रहे थे। मैं बहुत एक्साइटेड था ये देखने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी लाइन थी, करीब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जितनी बड़ी तो लाइन ही थी। बापा के दर्शन करने के लिए बहुत सारे भक्त आए थे और CM भी आके गए थे हमारे पहले, बिकॉज पहली बार ऐसा कुछ हुआ था सूरत में, तो देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। और एक सीक्रेट बार का 20 रुपये दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। क्या है रे बाबा वो सीक्रेट बार? पहले 20 रुपये दो फिर बताता हूँ। ये बाबा मैं तेरे को बाद में पेटीएम करेगा जा। अच्छा बता फटाफट बता। हम लोग ना आधी लाइन में से पापा के दर्शन के लिए गए थे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ए मंगल मूर्ति का खोपड़ी तोड़ साले का मार। जा अब मैं नहीं देता तेरे को 20 रुपये, भूल जा उसको। ऐसा करता है कोई? अरे बाबू भैया क्या बताओ, बहुत भीड़ थी। चलो कोई नहीं आप दर्शन करो ऐसे ही।
उसके बाद हम लोग आ गए बाहर और यहाँ पे हो रही है कुल्फी पार्टी। और ये निखिल भाई को देखना, निखिल भाई ये क्या है? निखिल भाई क्या सोच रहे तेरी, मानना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग निकल गए थे केदारनाथ वाली थीम देखने के लिए और यहाँ पे हमारे निखिल भाई बीच रास्ते में ही सो गए थे। ये बाबा क्यों, उसको ज्यादा हो गई थी क्या? हाँ कुल्फी ज्यादा खा ली थी ना उसने, हमारे निखिल भाई सोते हुए बाबू भैया एक ही सो रहा है, जास्ती झाली ले तेले बाबा, इसको ज्यादा हो गई लगता है, इसको ज्यादा हो, सही पकड़े और यहाँ पे पब्लिक का क्राउड देखो भाई भाई, रात के 2 बजे फिर भी इतनी पब्लिक आई थी, असली केदारनाथ की जैसे ही फीलिंग आ गई थी हमें सबको। यहाँ पे पब्लिक का जोश देखो, रात के 2 बजे लेकिन फिर भी पब्लिक पागल है बाप्पा को मिलने के लिए। और यहाँ पे निखिल भाई उठ चुके और उन पागलों में से हम भी कुछ है जो मिलने आए हैं इतनी दूर से बाप्पा के दर्शन करने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको भी। यहाँ पे सबको असली केदारनाथ वाली फीलिंग आ गई थी तो यहाँ पे हर कोई हाथ जोड़ के फ़ोटो खिंचवाने में बिजी है। और मज़े की बात ये फ़ोटो में ये होती है कि पीछे वाला फ़ोटो खींच रहा है कि नहीं वो पता ही नहीं चलता है। मैंने कहा मुझे भी ट्राई करना है तो मैंने भी खिंचवा ली फ़ोटो। चलिए तो अभी अंदर चलते हैं मंदिर के, मतलब बापा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे प्रसाद ले लेंगे और प्रसाद खाने के बाद एनर्जी आ गई बॉडी में, चलिए गरबा खेलेंगे। ए हालो रात हमने एंजॉय किया और बापा का लास्ट दिन था तो अभी बापा डायरेक्ट अगले साल ही मिलेंगे तो एक दुख भी था मन में। उसके बाद हम लोग घर पे ही आ गए डायरेक्ट क्योंकि घर बहुत दूर था और ये गाड़ी पे मस्ती हो रही। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरा व्लॉग यहाँ तक देखा, आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया हो। और अगर मैं पिछले व्लॉग की बात करूँ मेरे,
तो मैं एक महीने लगा देता हूँ व्लॉग एडिट करने के लिए, लेकिन ये व्लॉग मैंने एक ही दिन में एडिट किया है और अपलोड कर रहा हूँ मैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ मिस्टेक भी हुई होगी मुझसे तो कमेंट में बता देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। लेकिन एक सेकंड रुको, ये चार गणपति के अलावा भी हमने गणपति देखे हैं, तो उसकी वीडियो तो नहीं ले पाया मैं, लेकिन फ़ोटो है तो मैं पीछे रख रहा हूँ बैक एंड वीडियो में, एंड वीडियो में रख रहा हूँ मैं, तो जाके देख लेना। चले फिर, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना अपने चैनल को। चलो।